वस्तु बहुत दुर्लभ हो उसमें भी प्रेम नहीं होता। आपको लगता है कि वो वस्तु मिलेगी कैसे, तो आप साहस नहीं कर पाते आगे बढ़ने का। और एक वस्तु जो अत्यंत सुलभ हो जाए उसमें भी प्रेम नहीं होता, उसमें साधारण बुद्धि हो जाती है, उसकी अवहेलना कर बैठते हैं आप। तो दुर्लभ और सुलभ की संधि में प्रेम होता है। जो वस्तु आज नहीं मिल रही लेकिन उसके मिलने की आशा है। तो गोपी ने कहा जब हम पहली बार आपके पास आई और आप हमारी योग्यता पर, आप हमारी चतुराई पर, आप हमारी निपुणता पर हंस दिए थे, आप हंसे और हम मोहित हो गए, हम में सौभाग्य का वो मद जग गया, तो अब हंसिएगा मत, केवल मुस्कुराइएगा। आप केवल मुस्कुराइएगा, हंसिएगा मत। आपको क्या लगता है ये जो दोष हमारे भीतर आया उसका कारण हम हैं? बात तो गोपी की बड़ी पते की है, क्योंकि जीव जब तक पूर्ण रूपेण निर्मल हो न जाए तब तक वो भगवान के निकट पहुंच ही कैसे सकता है। आप देखिए कितनी ऊंची योग्यता, कितनी ऊंची पात्रता है गोपी की। श्री कृष्ण वेणुवाद करते और केवल गोपी सुनती है, लोकलाज कुलकान का बंधन तोड़कर आती है और ब्रह्मादिक इस भाव की स्तुति करते हैं कि गोपियों ने वो बंधन भी तोड़ दिया जो तोड़ना किसी के लिए सरल नहीं है, संभव नहीं है। गोपी आसक्ति की उन बेड़ियों को तोड़कर आ पहुंची है श्री कृष्ण के निकट। तो गोपी की पात्रता कोई कोई सहज साधारण नहीं है, गोपी की पात्रता बहुत ऊंची है। तो प्रभु यदि हमारा मन निर्मल नहीं हुआ होता तो कैसे आपकी पुकार हमारे कान में पड़ती, कैसे हम आपके निकट आकर पहुंच जाती, बैठ जाती। हमारे भूलने भटकने का कारण हमारा अज्ञान, हमारा दोष, हमारा अभिमान नहीं है प्रभु, हमारे भूलने भटकने का कारण तो कुछ और है। तो भगवान ने कहा क्या, आपका रूप कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण। तभी ललित किशोरी कहते हैं, बोले तेरा तो हसन और औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। आप हंसे, हम मोहित हो गई, भूल कर बैठी, चूक कर बैठी। भगवान के हास में एक उन्माद है, भगवान की हंसी में एक मस्ती है, एक मत्तता है। मोहित हो गई गोपी, तो हे प्यारे अब हंसिएगा मत, अब आप केवल मुस्कुराइएगा। क्योंकि जब आप हंसते हैं तो जीव मोहित होता है, लेकिन जब आप मुस्कुराते हैं तो स्थिर चर ब्रज नग्नाम सुस्मित श्रीमुखेन ब्रजपुर वनितानाम वर्धयन काम देवन। आप जब मुस्कुराते हैं तो क्या होता है, हृदय में प्रेम का संचार हो जाता है। इसलिए आप केवल मुस्कुराइएगा। अच्छा तुम्हारी ओर देख लूं, थोड़ा सा मुस्कुरा दूं, तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रख दूं, इतने से संतुष्ट हो? अभी गोपी कहती कुछ, इतने में एक और गोपी, उसने आकर अपनी बात निवेदन की। आइए हम आगे के भाव में प्रवेश करें, दो मिनट के लिए श्री ठाकुर जी का नाम लीजिएगा। राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे मधुर बड़ी सुंदर बात और इस समग्र भावगीत में दृष्टिगोचर होती है कि गोपी प्रियतम से अपने मस्तक पर करकमल पधराने का भी निवेदन करती है, मुख चंद्र के दर्शन की भी अभिलाषा है, चंचल चितवन मंद हसन इस माधुर्य का भी स्वाद चखना चाहती है गोपी, वो प्रेम भरा हृदय। परंतु ये सब कहते हुए
ये सब निवेदन करते हुए गोपी समग्र भावगीत में प्रियतम के चरणों का विस्मरण नहीं होने देती। जैसे स्वामी अपने सेवक पर अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपने सर्वथा अपने निकट बैठने का स्थान दे दे, स्वामी ने सेवक को अपने निकट बैठाया, ये स्वामी की उदारता है। लेकिन सेवक अपनी मर्यादा न भूल जाए, उस स्थान को, उस भाव को, उस आदर को नमन कर, प्रणाम कर, उसका स्पर्श कर बैठे स्वामी के चरणों में ही, तो ही सेवक शोभा पाता है। कितनी सुंदर बात कि जब सुग्रीव आभूषण दिखा रहे थे रघुनाथ जी को, श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि तुम पहचानते हो ये आभूषण जानकी जी के ही हैं? लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो केवल चरणों का नूपुर पहचानता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने उससे अधिक कभी देखने का प्रयास नहीं किया, कभी उनके मुखचंद्र की ओर देखने का साहस नहीं किया। मैंने केवल चरणों का दर्शन किया है, मैं केवल उनके नूपुर पहचानता हूं। इसलिए सबते सेवक धर्म कठोरा, जैसे हर गीत का अपना एक सम होता है, नृत्य की गति का अपना एक सम है, ऐसे इस गोपी गीत का सम है श्री कृष्ण के चरण कमल। गोपी सब बात करती है, ऐसे क्या होता है आप वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो परिक्रमा कहां पर पूर्ण होती है? जहां से आप आरंभ करते हैं वहीं आकर परिक्रमा पूर्ण होती है। ऐसे गोपी भी श्री कृष्ण के रूप की परिक्रमा करती है, लेकिन विश्राम आकर मिलता है गोपी को श्री कृष्ण के चरण कमल में। फिर स्मरण हो आता है गोपी को, प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, हम स्वीकार करती हैं हमसे पाप हो गया, भूल हो गई, अवज्ञा हो गई, फिर प्यारे इतना दंड क्यों देते हैं? ऐसे दंड की क्या आवश्यकता थी? निज जन स्मय ध्वंसन स्मित, आप केवल मुस्कुरा दें तो मान मर्दन हो जाए किसी का भी, आप दर्प दलन कर दे केवल मुस्कुराकर। आपको इतना कठोर होने की क्या आवश्यकता थी? और यदि मान लिया हमसे भूल हो गई, हमसे चूक हो गई, और प्रेम के देश में आप अवज्ञा कर दें प्रेम की, आप अवहेलना कर दें प्रेम की, ये पाप से बड़ा पाप है, ये सबसे बड़ा पाप है। और किसके प्रेम की अवहेलना? प्रियतम के प्रेम की अवहेलना, उनके प्रेम की अवहेलना हो गई गोपी से। तो ये हमसे, हम स्वीकार करती हैं कि ये हमसे सबसे बड़ा पाप हो गया है। अब गोपी चेत गई है, अब गोपी जान गई है कि ये जो मिला था ये मेरा भाग्य नहीं था, ये जो मिला था ये प्रियतम का अनुग्रह था। केवल वंशी की धुनी हमारे ही कान में पड़ी, ये हमारी योग्यता नहीं थी, ये प्रियतम का हमारे प्रति पक्षपात था। अब समझ में आ रहा है गोपी को। और इस समग्र भावगीत के माध्यम से गोपी एक बात और बताती है। अब इसे विडंबना कह लीजिए, अब इसे बुद्धि की दुर्बलता कह लीजिए, अब इसे मानव मन की दुर्बलता कह लीजिए, या कुछ और, जिसको जो शब्द रुचे वो चुन ले, पर इस भावगीत के माध्यम से गोपी एक ये बात और बताना चाहती है कि जब हमारे पास में वस्तु होती है तो हम भूल कर बैठते हैं, हम चूक कर बैठते हैं, हमसे अवज्ञा हो जाती है, हमसे अवहेलना हो जाती है। यही हुआ गोपी के साथ। गोपी को वो मिल रहा था जो ब्रह्मादिकों को दुर्लभ है, जिसका कोई चिंतन नहीं कर सकता, जिसे देना केवल मात्र प्रियतम का अधिकार है, जिसे चाहे उसे दें। प्रियतम है, ये प्रियतम का अनुग्रह है कि उन्होंने चरणों की धूल को माथे चढ़ाया है। वी डिवैल्यूएट, हम अवमूल्यन कर देते हैं, यही ये मानव मन की दुर्बलता है, आपकी मेरी सबकी। इसलिए भी कुछ देर पूर्व में निवेदन कर रहा था, वस्तु अत्यंत सुलभ हो जाए तो भी प्रीति संभव नहीं है। भगवान क्यों छिपे?
गोपी ने बिल्कुल ठीक बात कही, आपका अंतर ध्यान होना आवश्यक नहीं था, आप केवल मुस्कुरा देते, हमारे मन का दर्द चूर हो जाता, हम सही मार्ग पर आ जाती केवल आपके मुस्कुराने से। पर ठाकुर जी ने देखा ये कोई ऐसी मैल चढ़ गई है, ये पात्र में कोई ऐसा खोट आ गया है जिसको केवल विरह की माधुरी निर्मल कर सकती है, इसीलिए छिपे। और जब जो ही श्री कृष्ण छिपे, जो ही आधार हिला इस प्रेम मंदिर का, गोपी एकदम से सजग हो गई। उसने तुरंत तुरंत सुधारा, परिष्कार किया, परिमार्जन कर लिया उसने अपनी भूल का, अपनी चूक का, कि हम समझ गई प्यारे यहां तक आना, आपको इस रूप में पाना, ये हमारा प्रयास या हमारा पुरुषार्थ या हमारी प्रतीक्षा नहीं, हमारा प्रेम नहीं, हमारी प्रीति नहीं, ये केवल आपका प्रसाद है, आपका कृपा प्रसाद है। श्री कृष्ण की कृपालुता उदारता का स्मरण हो आया गोपी को, और गोपी कहती प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कुचेशुन कृंधिरिच्छयम। श्री कृष्ण स्वीकार कर लेने वाले थे उस मांग को भी, कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे सन्मुख भी हो जाऊंगा, तुम्हारे मस्तक पर अपना करकमल भी पधरा दूंगा, तुम्हारी ओर स्नेह भरी दृष्टि से देख भी लूंगा, मुस्कुरा भी दूंगा, कुछ और तो नहीं रह गया। तत्काल एक गोपी बोल पड़ी कि नहीं प्यारे, आपके वो चरण कमल जो शरण में आने वाले की पाप राशि को भस्म कर देते हैं, जो अपनी अंगुलियों से अजस्त्र प्रवाहित होने वाली प्रेम धाराओं से भक्त जनों के, रसिक जनों के, संत जनों के हृदय को भर देते हैं प्रेम से, अनुराग से, प्रेम के योग्य बना देते हैं जो आपके चरण कमल, वो चरण कमल जिनसे आपने वृंदावन के ब्रजभूमि के तृण और अंकुरों को भी पवित्र किया है। श्री कृष्ण ने कभी पादुका नहीं पहनी, पन्हैया नहीं पहनी, वो चरण कमल जिनसे आपने पवित्र किया है तृण और अंकुरों को। और जैसा मैंने नित्य प्रति निवेदन किया ना, गोपी स्तुति भी करती जा रही है और गोपी उल्हाना भी देती जा रही है। जब गोपी कहती है ना आपने तृण को, अंकुरों को, आपने जब उनको पवित्र किया है, तो हम क्या उनसे भी गई बीती हैं? हमारा क्या आप पर उतना भी अधिकार नहीं बनता? ठाकुर जी ने कहा सीधे सीधे कहो क्या कहना चाहती हो, क्या हमारा उन 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 तृणांकुरों जितना भी अधिकार नहीं है आप पर? तो श्री ठाकुर जी ने कहा बोलो क्या चाहती हो। बस जिस प्रकार आपने उन तृणांकुरों को पवित्र किया है, कृतार्थ किया है, उन तिनकों को, उसी प्रकार हमें भी कृतार्थ कर दीजिए। जैसे आपने उन तृण और अंकुरों पर अपने चरण कमल पधराए हैं, ऐसे हमारे हृदय पर भी अपना चरण कमल पधरा दीजिए। फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कुचेशुन कृंधिरिच्छयम। और मान लिया हमसे पाप हुआ, पर हमने आपके चरणों की शरण ग्रहण कर ली है। चरणों की ही शरण ग्रहण क्यों की? क्योंकि प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, आपके चरणों में पाप का कर्षण करने की बड़ी अद्भुत सामर्थ है। कैसे? वो पापिष्ठा अहिल्या गौतम ऋषि की पत्नी, चारों ओर से तिरस्कृत, मार्ग में पड़ी है, ठोकरें खाती संसार की, किसने कृपा की उस पर? गौतम ऋषि ने भी परित्याग कर दिया। यहां तक कि गौतम ऋषि के आश्रम के पशु पंछी भी आश्रम का परित्याग करके चले गए कि अहिल्या का दर्शन करने से पाप होगा, पाप लगेगा। पशु पंछी भी चले गए गौतम ऋषि के आश्रम का त्याग करके, आपने कृपा की। चरणों की ठोकर से शिला को नारी रूप बनाया, अपने चरण स्पर्श कराया, अहिल्या को पाप मुक्त कर दिया,
आपने उसकी जड़ता नष्ट कर दी, आपने आपने एक नव जीवन का, नव चेतना का संचार कर दिया, कैसे? केवल अपना चरण स्पर्श करा के। ऐसे ही जब बहुत जड़ हो जाए मन पाप करते करते, पाप का परिणाम क्या है? ताप, जड़ता, हृदय की जड़ता। जब बहुत जड़ हो जाए मन पाप करते करते, तो केवल एक औषधि है और वह है श्री ठाकुर जी के चरण कमल। अपने ठाकुर जी को नित्य स्नान कराओ और बार 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 अपने ठाकुर जी का चरणामृत पान करो। उसमें बड़ी अद्भुत सामर्थ्य है मन को निर्मल करने की। आपके वो चरण कमल कितना सुंदर संबोधन देती है गोपी। प्रणत देहिना पाप कर्षणम त्रीण चरानुगम श्रीनिकेतनम। और पाप कर्षणम खींच लेते हैं, पाप कर्षण माने आकर्षित कर लेना, खींच लेना। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि व्रजे वसंतम नवनीत चोरम ब्रजे वसंतम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, ये श्री ठाकुर जी के श्री चरणारविंद का प्रताप है। चरणों का जो स्मरण है, चरणों का जो सेवन है, श्री चरणों का जो चिंतन है, वो हृदय की जड़ता को दूर करता है। अब कुछ लोग बड़ा, कुछ लोगों के लिए बड़ा भारी, बड़ा दंड हो जाता है 2-3 घंटा कथा में बैठना, हो जाता है ना, किसी को मनाने के लिए, किसी को रिझाने के लिए, किसी को प्रसन्न करने के लिए बैठना पड़ता है। कथा में मन ना लगे, सुमिरन में मन ना लगे, सुमिरन में, कीर्तन में चित्त द्रवित ना हो, माने मन बहुत जड़ हो गया है, पाप बढ़ गया है बहुत, ये उसी का परिणाम है, ये उसी का परिणाम है, पाप बहुत बढ़ गया है। कैसे कम होगा? भगवान के श्री चरणों का चिंतन करने से। लेकिन गोपी बड़ी बड़ी सुंदर बात कह जाती है बड़ी चतुराई से। पाप कर्षणम वो किसके लिए है? ध्यान से सुनना, वो श्री चरण कमल किसके पाप का कर्षण करते हैं? प्रणत देहिना इनके साथ भी बजा दिया करो। प्रणत देही नाम पाप कर्षणम, जो शरण में आया है वो निर्मल होगा। बस यही एक पग आगे बढ़ना है, बस यही एक पग आपका आगे बढ़ाना है कि आप शरण में हो जाइए, शरणागति स्वीकार करिए। प्रपत्ति ये जीव का धर्म है। आप देखिए कितनी कितनी अद्भुत बात पर गीता विराम लेती है। सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। क्या इससे पहले अर्जुन शरण में नहीं है? क्यों कहना पड़ा श्री कृष्ण को? शरणागति है लेकिन उसकी स्वीकृति पूर्ण नहीं है, पूर्ण शरणागत नहीं है अर्जुन। अभी अर्जुन को हानि और लाभ की चिंता है, अभी अर्जुन को पाप और पुण्य दिखाई पड़ता है, गोपी को दिखाई नहीं पड़ता। और ये उन्माद केवल प्रेम ही देता है। शरणागति माने श्री ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं कि मैं उसी के लिए कुछ कुछ कर पाने में सक्षम हूं, समर्थ हूं, जो एक बार मेरी शरण में आ जाए। प्रणत देही नाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतनम। कैसे न्योछावर हो गए थे आप? बलि से पाप होने जा रहा था,
बलि ने संकल्प किया कि मैं 3 पग भूमि दान करूंगा और 2 पग में आपने त्रिलोकी नाप ली, 3रा पग बलि कहां धरते, और यदि नहीं धरते 3रा पग कहीं आप, बलि का संकल्प अधूरा रह जाता, और जब आपका प्रण अपूर्ण रह जाता है, जब आप अपना वचन भंग करते हैं, तब उसी क्षण उसी समय आपका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है, जब आप किसी को दिया वचन भंग कर देते हैं, बलि का सारा पुण्य क्षीण हो जाता है। आपने कृपा की, आप बलि के हृदय में प्रेरणा स्तोत्र बनकर बैठ गए, बलि ने आपकी शरण ग्रहण की उस विकट स्थिति में जब उसका गुरु भी उससे विमुख हो गया है, बलि ने अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर दी, उसको गुरु चरणों में भी ठौर नहीं है, वो बेचारा कहां जाए, आपकी माया मोहित किए थी सबको, 2 पग में आपने त्रिलोकी नाप ली, आपने दया की, आपने दया की क्यों, क्योंकि बलि ने आपके लिए पाप पुण्य का विचार छोड़ दिया, बलि आपकी शरण में आ गया, उसने माथा झुका दिया, उस विकट परिस्थिति से आपने उबार लिया बलि को, क्योंकि बलि ने मस्तक झुका दिया, उर अंतर्यामी आप प्रेरक बनकर बैठे, और बलि ने कहा कि प्रभु ये 3रा दानी दान से बड़ा होता है और दान से बिलग भी होता है, आपने 3ों लोक नाप लिए, छिति नापी त्रिपाद करुणामय, आपने आपने 3ों लोक नाप लिए 2 पग में, अभी 1 वस्तु बची है, वहां अपना पग धरिए, कहां, तो बलि ने अपना मस्तक झुका दिया, और जैसे ही बलि ने अपना मस्तक झुकाया, आपने अपना चरण कमल पधरा दिया उसके मस्तक पर, उसी क्षण बलि सर्वथा पाप मुक्त हो गया, उसके बंधन कट गए सर्वथा, और आपने पाताल का वो देव दुर्लभ अखंड ऐश्वर्य अखंड साम्राज्य बलि को दे दिया। आज भी पाताल लोक में भगवान द्वारपाल बने बैठे हैं बलि के, आपकी कोई शरण में आए तो आप जाने क्या दे दें, न जाने कौन सी बात पे दयानिधि रीझ जाते हैं। और हम जानती हैं कि कैसी अद्भुत सामर्थ्य है आपके चरणों की, प्रभु आप भूल गए जब आपको उस पार जाना था और केवट ने हट कर लिया था कि जब तक आप चरण नहीं धुलवाएंगे तब तक मैं आपको नैया में नहीं बैठाऊंगा, अरे आपके चरण स्पर्श से तो जड़ शिला का खंड नारी हो जाता है, और मेरी तो ये काठ की नैया, और मेरी तो नैया काठ की है, मैं तो पेट भरता हूं अपना, पोषण करता हूं अपने परिवार का, इस नैया के अतिरिक्त मेरे पास तो कुछ और है नहीं, प्रभु आपको चरण धुलवाने पड़ेंगे, कहीं भी कोई रज का कण लगा न रह जाए आपके चरणों से, कि उस रज कण का स्पर्श पाके कहीं मेरी काठ की नैया स्त्री न बन जाए, कहीं इसमें चेतना का संचार न हो जाए, कैसे कैसे लाड़ लड़ाए हैं भक्तों ने, और फिर ये तो इसे आपकी कृपा कह लीजिए या आपके भक्तों का सौभाग्य कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, कभी कभी आपको भी हमसे काम पड़ता है, और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जिनका नाम भव पार करा देता है जीव को, उन प्रभु को उस पार जाना है, केवट हट लिए खड़ा है, आपके वो चरण कमल, उन चरणों की शरण में हम आई हैं, आप कैसे हमारा परित्याग कर देंगे, अब तो ये कृपा करिए कि आपके उन चरण कमलों को हमारे हृदय पर पधरा दीजिए, क्यों पधरा दूं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, और तुम्हारे हृदय पर अपना चरण कमल पधराना क्या शोभा देता है, क्यों अपने चरण कमल पधरा दूं, हम आपके चरणों का श्रृंगार करना चाहती हैं इसलिए पधरा दीजिए, कैसा श्रृंगार, आप एक बार पधरा कर तो देखिए, हमारे हृदय का वो अद्भुत अनुराग आपके चरणों का जावक बन जाएगा, आपके चरणों का अलक्तक बन जाएगा, प्यारे एक बार हमारे चरण कम अपने चरण कमल पधराइए, तो भगवान ने कहा मुझे, तुम कहती हो कि तुम्हारे हृदय में अनुराग भरा है, ध्यान से सुनना,
तुम कहती हो कि तुम्हारे हृदय में अनुराग भरा है और मुझे तो तुम्हारे हृदय में काम का काला रंग दिखाई पड़ता है, मुझे तो तुम्हारे हृदय में काम का काला विषैला रंग दिखाई पड़ता है, जल गए यदि मेरे चरण तो। तुम्हारे हृदय के काम ने दग्ध कर दिया यदि मेरे चरणों को तो। तुम कहती हो कि मुझे श्रृंगार करना है, तुम कहती हो तुम्हारे हृदय में अनुराग है, तुम कहती हो तुम्हारे हृदय में राम है, मुझे दिखता है तुम्हारे हृदय में काम है। तुम कहती हो अनुराग के रंग से अलंकृत कर देंगी आपके चरण, और मुझे लगता है कि मेरे चरण कमल दग्ध ना हो जाएं। मान लेती हैं प्रियतम कि हमारे हृदय में काम है, क्योंकि आप जो कहें वो सत्य, आप जहां खड़े हैं वही धर्म है, जहां धर्म है वही जय है, आप जो कहें वही सत्य है, आप अपौरुष हैं, सनातन हैं, आपकी वाणी ही वेद वाणी है, आपकी इच्छा ही शास्त्रों के माध्यम से प्रकट हुई है, आप जो कहें वो सत्य। हम इस बात में हट नहीं करेंगी कि हमारे हृदय में प्रेम ही है। मान लिया हमारे हृदय में काम है, कैसे दग्ध हो जाएंगे आपके चरण कमल, कैसे मुरझा जाएंगे आपके चरण कमल। मान लिया हमारे हृदय में विष है, पर वैसा विष थोड़ी है। ठाकुर जी ने कहा कैसा, गोपी कहती है वैसा भूल गए आप। ठाकुर जी बोले कैसा, फणी फणार्पितम ते पदांगुजम। अब भी स्मरण नहीं आया श्री कृष्ण को कि गोपी के पास इस प्रश्न का क्या उत्तर है। अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ इन चरणों की छैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया ताथैया ताताथैया, नाचत कन्हैया ताथैया ताताथैया, नाचत कन्हैया ताथैया ताताथैया, नाचत कन्हैया ताथैया ताताथैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, 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 नाचत कन्हैया ताथैया ताताथैया, नाचत कन्हैया ताथैया ताताथैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ जग में, अति दुर्लभ इन चरणों की छैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, 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 जय जय कृष्ण कन्हैया। फणी फणार्पितम, बोली भूल गए वो महाविषधर कालिया, जब उसके विष से आपके चरण कमलों को कोई हानि नहीं हुई तो हमारे हृदय में तो बड़ा थोड़ा सा काम का विष है।
और यदि दोष है भी तो आपकी शरणागति के अतिरिक्त उसके परिहार का कोई अन्य साधन भी तो नहीं। भाई धोबी के पास तो मैला ही वस्त्र जाएगा, निर्मल वस्त्र तो धोबी के निकट जाता ही नहीं, भेजा ही नहीं जाता, मैला ही जाता है। आपके चरणों के शरण में तो कोई दीन आएगा, हीन आएगा, निर्बल आएगा, कलुषित आएगा, और आपके श्री चरणारविंद से अजस्त्र प्रवाहित होने वाली वो अनुराग की धारा वही तो जीव को निर्मल करेगी। तो प्यारे इतनी कृपा और करिए कि आपके ये चरण कमल, ये जो अभिमान, ये जो मद सौभाग्य का जगा जिसके कारण आप हमसे दूर हो गए, आप छिप गए, बुद्धि तो साधन बनी थी वस्तुतः, तो ये रोग, इस रोग का मूल स्थान क्या है? हृदय है। प्रेम भी हृदय से होता है, घृणा भी हृदय से होती है। और दूसरी बात, अब हम चाहती हैं कि हमसे पुनः चूक ना हो जाए, इसीलिए आपकी शरण में आई है। जो भूल हमने अब की वो भूल हमसे पुनः ना हो जाए, मन योग्य बन जाए प्रेम के, उसके लिए हमारे पास अब एक ही साधन है, इन चरणों की शरणागति। क्यों? क्योंकि आपके चरणों का एक और गुण है। पहला गुण गोपी ने क्या बताया है? प्रणत देहिनाम पापकर्षणम, कि जो भी शरण में जाए उसके पापों का कर्षण कर लेते हैं, खींच लेते हैं आपके चरण कमल, निर्मल कर देते हैं जीव को। भगवान के चरणों के स्मरण में एक बड़ी अद्भुत सामर्थ्य है, एक बड़ा अद्भुत द्रव्य उत्पन्न होता है आपके भीतर, एक प्रेम का एक प्रकाश धीरे धीरे फैलता है, एक सौम्य आलोक आपके भीतर प्रकट होता है सतत भगवान के चरण कमलों से। मैं तो उस दिन भी कह रहा था ना कि मैं कभी भी कहीं भी आरंभ करूं कैसे भी, लेकिन विश्राम कहां है? मेरो राधा वल्लभ लाल को लाल मन रखियो, जैसे जैसे प्रियतम से बात हो रही है, जैसे जैसे प्रियतम से बात हो रही है, वैसे वैसे जहां गोपी के हृदय को एक सांत्वना, एक आधार मिल रहा है, तैसे तैसे उसके हृदय की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। हरि जी मोहे कबरे मिलोगे कबरे मिलोगे आए, मिलोगे आए नाच मोहे कबरे मिलोगे आए, नाच मोहे कबरे मिलोगे आए। इनको बैठाओ नीचे। हरि जी मोहे नाच मोहे, हरि जी मोहे कबरे मिलोगे आए, हरि जी मोहे कबरे मिलोगे आए, नाच मोहे कबरे कबरे मिलोगे आए, हरि जी मोहे कबरे मिलोगे आए, नाथ मोहे कबरे मिलोगे आए, नाथ मोहे कबरे
भोलेनाथ, अब इस परीक्षार्थी की इतनी परीक्षा मत लीजिए कि परीक्षार्थी के प्राण पखेरु उड़ जाएं। हमारे हमारे मन की वो चादर मैली हो गई थी, उसे धोइए, पर ऐसा ना हो, इतने कठोर मत हो जाइए कि चादर फट जाए। सन्मुख होइए, आप देखिए गोपी की व्याकुलता क्या है कि उसे प्रियतम के दर्शन के बिना चैन नहीं है, उसे श्री कृष्ण के सेवन के बिना, उसे श्री कृष्ण के रस का आस्वादन करना है, केवल हृदय में नहीं, उसे आंख से रूप रस का पान करना है, उसे श्री चरणारविंद को अपने मन मंदिर में पधराना है, सुनिश्चित कर लेना है, प्रतिष्ठा करनी है गोपी को भगवान के उन चरण कमलों की। इसके लिए गोपी कहती है चरण कमल क्या है, श्री निकेतनम। श्री माने एक संसारी व्यक्ति के लिए श्री लक्ष्मी है और एक भक्त के लिए श्री है प्रेम अनुराग। कबीर कहते हैं ना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके नाम रतन धन होए। भक्त की दृष्टि में धन क्या है, मीरा कहती है पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। तो गोपी की दृष्टि में श्री क्या है, श्री माने जिसके आने के बाद आप समृद्ध हो गए, संपन्न। गोपी की समृद्धि क्या है कि बस जीवन कृष्णमय रहे। गोपी को आंख से रूप देखना है, आंख से गोपी को रूप रस का पान करना है, कान से उसे उसे प्रभु की वाणी सुननी है, हाथ से श्री कृष्ण का सेवन करना है, सेवा करनी है। उसके चरणों की सार्थकता यही है कि वो सदा श्री कृष्ण के निकट जाने का प्रयास करते रहें। इंद्रियों के स्वामी भगवान हैं और सूर कहते हैं जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहां सुख पावे। कबीर कह रहे सबे रसायन हम किया, सब करके देख लिया पर प्रेम समान न कोई। आप सारे साधन सारी समृद्धि जुटाकर निकल जाइए विश्व भ्रमण पे, थोड़े से दिनों में आपको अपने घर की याद आएगी, यू विल फील होमसिक। सब कुछ है, एक से एक भोग की और विलास की सामग्री होगी आपके सामने, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं बस अब हमें घर जाना है। क्यों? क्योंकि वो घर आपका अपना है, उस स्थान से आपकी एक आत्मीयता जुड़ी है, वहां से आप हृदय से जुड़े हैं। ऐसे ही भगवान के जो चरण हैं, श्री निकेतन भगवान के चरण, पाप कर्षण भगवान के चरण, अनुराग रस वर्षण भगवान के चरण, वो जीव का अपना घर है, वो आपका और मेरा अपना घर है, वहीं जाकर विश्राम है, उससे पहले नहीं। कितना भी भोग, कितना भी विलास, कितनी भी समृद्धि अर्जित करिए, कम से कम इस परिप्रेक्ष्य में तो मैं आपको खुली चुनौती दे सकता हूं, ओपन चैलेंज, कुछ भी अर्जित कर लीजिए आप। मन का एक कोना है जो खाली रहेगा, जो भरेगा नहीं, और उसके भरे बिना, राम कृपा बिन सुपने हूं जीवन ले विश्राम। आप जीवन में विश्राम की बात करते हैं, आपको स्वप्न में भी विश्राम नहीं है इन चरणों की शरणागति के बिना। श्री निकेतन, ये श्री का मंदिर है, अखंड प्रेम लक्ष्मी वास करती है प्रभु आपके इन चरण कमलों में। अखंड प्रेम लक्ष्मी, आपके इन श्री चरणारविंद का स्पर्श होगा, हमारा रोम रोम पावन हो जाएगा। हमारे बड़े बाबा तो कहते थे, बोले बेटा राधा वल्लभ जी का दर्शन करो, मुख चंद्र की माधुरी क्या है, कैसे समझ में आएगी, कैसे श्री ठाकुर जी श्रृंगार रस मूर्ति हैं, कैसे राधा वल्लभ लाल श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह हैं, कैसे जानोगे, किस दृष्टि से देखोगे।